ले जा रहे हैं और आपको कुछ करने के लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। बचकर चलिए कपट से, धोखा ना इनसे खाइए, ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम सब लोग अपनी कसम खा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं। सोचिए भ्राता जी, जरा बुद्धि के पट खोल कर सोचिए। लाख कोशिश कीजिए, वध से वधी जाती नहीं, दुष्ट लोगों से कभी नेकी की बू आती नहीं। यह तू कैसे कहता है? मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि गरजने वाले बादल बहुत कम ही बरसते हैं। वे सब सोना नहीं होते जो पदार्थ अक्सर चमकते हैं। बोल, रहने दीजिए चाचा साहिब, नमक हमारा खाते हो और शत्रु के पक्ष की बात करते हो। देखते हो भ्राता जी, ये छोकरा क्या कह रहा है? है? क्या कुछ कह रहा है? ठीक ही कह रहा है। हमारी बातों पर हमें संदेह नजर आता है और विद्रोह तुम्हारी बातों से विद्रोह चलता है। बड़ा आश्चर्य है भ्राता जी कि आप भी मुझ पर संदेह करते हैं। क्या गीले और सूखे दोनों एक साथ जलते हैं? क्यों नहीं जलता है? जब विद्रोह की अग्नि भड़कती है तो सिर्फ सूखे और गीले को जलाकर राख कर देती है। भ्राता जी, आप तो क्रोध में अपने आपे से बाहर हो रहे हैं और बदले की भावना से अच्छे और बुरे का ज्ञान खो रहे हैं। संभव है ऐसा ही हो। आप कुछ भी कहें भाई साहब, परंतु मैं आपको फिर समझाता हूँ कि आप अपनी करनी पर पछताओगे और मेरी बातों को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से बैर करने में किसी की भलाई नहीं, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना कोई दानाई नहीं। फिर वही कायरता की बात, मेरे सामने मेरे ही शत्रु की बड़ाई। अकेली विश्वासघाती कुल विनाशक, दो मर जाकर कहीं, अरे क्या है ये हालत तेरी? चल निकल दूर हो, मुझे भाती नहीं सूरत तेरी। अच्छा भाई साहब, खुश रहो, मुझे आखिर क्या पड़ी? जो किया सो पाओगे, बीज जो बोए है तुमने फल उसी का खाओगे। पिताजी, ईश्वर सीधा शत्रु के पास जाएगा और उन्हें हमारे सारे भेद बताएगा। कोई प्रमाण नहीं, मेरे
ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। ठीक है पिताजी, हम किसी भी बात में आपसे मुंह नहीं मोड़ सकते, जब सारा संसार भी छूट जाए हम तब भी आपको नहीं छोड़ सकते। शाबाश शाबाश।